सन 1528 में मुगल इन्वेडर बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को राम जन्मभूमि मंदिर गिराने का फरमान सुनाया और मीर बाकी ने हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान को जमींदोज कर दिया और वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसके बाद 500 सालों तक राम भक्तों द्वारा राम मंदिर को पुनः स्थापित करने का संघर्ष चलता रहा। रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर को लेकर इतिहास में 76 के करीब संघर्ष हुए और 150 सालों से भी ज्यादा तक राम मंदिर को लेकर मुकदमेबाजी चलती रही। राम मंदिर संघर्ष के काफी किस्से दुनिया को पता होंगे, लेकिन शायद ही किसी को ये पता होगा कि राम मंदिर आंदोलन की नींव एक निहंग सिख ने रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की राम मंदिर पर आई जजमेंट में इस निहंग सिख का जिक्र मिलता है, जिसने 1858 में अपने 25 सिख साथियों को साथ लेकर बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उस वाकये की पूरी कहानी दर्ज है, जिसमें नवंबर 1858 की उस घटना का जिक्र है। तो चलिए सुनाते हैं आपको राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा 165 साल पुराना ये किस्सा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दर्ज रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1856-57 के दौरान अयोध्या में एक दंगा हुआ था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दंगों के मध्य में हनुमान गढ़ी और बाबरी मस्जिद थी। हालांकि इस दंगे से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष बाबरी में पूजा अर्चना करते थे। ये घटना तब की है जब भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और हमारा देश सीधे ब्रिटिश राज के अंडर आ गया। इस घटना के बाद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से और बाहरी आंगन में एक ईंटों की बाउंड्री बना दी गई, ताकि दोनों पक्ष बिना किसी झगड़े के अपनी पूजा अर्चना कर सके। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती थी और बाहरी हिस्से में राम भक्त पूजा अर्चना करते थे। हालांकि इसके बाद भी दोनों पक्षों में मस्जिद के अधिकार को लेकर झगड़ा होता रहा और हिंदू पक्ष लगातार मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना करने की मांग उठाता रहा। फिर नवंबर 1858 में कुछ ऐसा हुआ जिसने राम मंदिर आंदोलन को एक नई रफ्तार दी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जिक्र मिलता है कि 28 नवंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसमें एक निहंग सिख द्वारा मस्जिद में पूजा अर्चना और हवन करवाने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ये घटना अपने आप में काफी अहम है। रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद पता चलता है कि जब मस्जिद के भीतर पूजा अर्चना करने के लिए हिंदू समुदाय के लोगों को इजाजत नहीं मिली, तो निहंग सिंह फकीर नाम के एक सिख निहंग अपने 25 साथियों को साथ लेकर मस्जिद में प्रवेश करते हैं और बाबरी मस्जिद को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके बाद वहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए हवन और पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान उनके साथ आए 25 सिख मस्जिद के बाहर पहरा देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त इस मस्जिद को जन्मस्थान मस्जिद कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये जिक्र मिलता है कि मस्जिद के मुअज्जिन सैयद मोहम्मद खतीब द्वारा अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है कि निहंग फकीर सिंह द्वारा मस्जिद के भीतर मेहराब के पास एक कंक्रीट का चबूतरा बनाया गया, जिस पर भगवान की तस्वीर रखी गई। चबूतरे पर लाइट का इंतजाम भी किया गया और उसके पास एक गड्ढा खोदकर मुंडेर की दीवार को पक्का किया गया और वहां अग्नि जलाकर हवन और पूजा अर्चना की गई और पूरी मस्जिद पर कोयले के साथ सिखों द्वारा राम राम लिख दिया गया। सिटी कोतवाल मुर्तजा खान ने जगह का मुआयना किया और निहंग सिंह फकीर द्वारा बनाए गए चबूतरे और दीवार पर लिखे राम राम को हटाने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये भी जिक्र मिलता है कि 1 दिसंबर 1858 को थानेदार द्वारा निहंग फकीर सिंह को समन भेजा गया और जब थानेदार द्वारा फकीर सिंह को दबाने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि हर जगह निरंकार की है, यानी भगवान की है। खैर, पूजा अर्चना करने के बाद निहंग फकीर सिंह और उनके साथियों ने चबूतरा बनाकर ये साफ कर दिया था कि मस्जिद के बाहर बनी रेलिंग राम भक्तों को मस्जिद के अंदर पूजा करने से नहीं रोक सकती। निहंग फकीर सिंह और उनके साथी मस्जिद के पास 2 साल तक डटे रहे। एक तरफ मस्जिद में अजान होती थी तो दूसरी तरफ शंखनाद किया जाता था। इससे पहले ऐसी घटना सदियों में नहीं हुई थी। ये लगातार काफी वक्त तक चलता रहा।
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 5 नवंबर 1860 का जिक्र मिलता है, जब बाबरी मस्जिद में बने चबूतरे को हटाने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी गई, जिसके बाद ही निहंग फकीर सिंह और उनके साथियों को मस्जिद से हटाया जा सका। हालांकि निहंग फकीर सिंह ने राम भक्तों के लिए भगवान का चबूतरा बनाकर एक नया दरवाजा खोल दिया था, जिसके बाद मस्जिद के भीतर पूजा अर्चना करने के लिए 1877 में एक रास्ता भी खुल गया। और अब निहंग फकीर सिंह की 8वीं पीढ़ी से संबंधित पंजाब के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर बाबा निहंग फकीर सिंह की याद में और हिंदू सिख एकता को आगे बढ़ाने के लिए 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे तो वहां संगत के लिए लंगर लगाने जा रहे हैं। बाबा हरजीत सिंह ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बाबा निहंग फकीर सिंह द्वारा 165 साल पहले जो वीरता दिखाई गई, वो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो विदेशों में बैठकर हिंदुओं और सिखों को लड़ाने की साजिश करते हैं। असीं सारे उस देश नूं इक सुनेहा दईए जिथे वख-वख कंट्रियां वख-वख कंट्रियां दे लोक जो फिरका परस्त दे मारे सानूं अलग तोड़ना चाहुंदे ने, जो किते खालिस्तान की गल करते हैं चाहे वक्रे होने की गल करते हैं, उन्हां वास्ते बाबा फकीर सिंह एक अपने आप च मिसाल है, क्योंकि उन्हां दी कुरबानी अजिही कुरबानी है जिहड़ी हिस्टरी च कदे मिलदी नहीं। जे साडा असी सनातनी ते जे साडा राम साडा सी, जे राम मंदिर नाल साडा प्रेम सी, तां साडे बजुर्ग उन्हां हालातां विच उत्थे जाके लड़े। असी सारे जिहड़े एक हाँ ते असी उत्थे श्री रामचंद्र जी महाराज दे चरणां दे विच उस गुरु नानक का लंगर लगा के एक समाज नूं अच्छा सुनेहा देन दा, अपने उन्हां बजुर्गां दी परंपरा नूं अगे लै जाण दी एक छोटा जिहा उपराला कर। तो ये है राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 165 साल पुराने एक आंदोलन की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।